नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संगं शरणं गच्छामि द्वितीयांपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयांपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयांपि संगं शरणं गच्छामि तृतीयांपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयांपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयांपि संगं शरणं गच्छामि। आवाज देखो बोलो कम से कम। पंचशीलानी पानातिपाता वेरमणी सिक्खापदं समादयामि अदीनदाना वेरमणी सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिथ्याचार वेरमणी सिक्खापदं समादयामि मूसावाद वेरमणी सिक्खापदं समादयामि सूरा मेरे मध्यपमादठान वेरमणी सिक्खापदं समादयामि। साधु साधु अभी जो तीसरान और पंचशील जो हमने दिया शायद आप लोग समझे भी नहीं होंगे कि क्या बोले हैं। समझे आप लोग कोई हाँ या नहीं बोले आपको तो हाँ या ना बोले तो बता पाए समझे कुछ नहीं समझे ना। आज से 2500 वर्ष पूर्व इसी बिहार की धरती महामानव तथागत बुद्ध का जिसको कि बुद्ध गया बोलते हैं बुद्ध गया में इनका ज्ञान हुआ था और वो ज्ञान के रूप में मनुष्य को मनुष्य के तरह जीने का 3 रत्न और 5 परहेज दिया था। 3 रत्न और 5 परहेज आप किस जाति से हैं सबसे पहले नंबर तो ये बाद में बताएंगे ये जाति और का लफड़ा क्या है। मनुष्य में जाति होता नहीं है जाति जानवरों में होता है और मनुष्य में जाति का हमारे दुश्मन नाम भी हमने बताया क्योंकि मेरा जो वर्ड वर्ड में चलता है भाषा किसी को तकलीफ ना हो उस सिस्टम को मानने वाला का भी तकलीफ ना हो उस तरह से भाषा का हम लोग प्रयोग वो दुश्मन क्या किया कि हम लोग को मनुष्य को जाति में यानी जानवर के श्रेणी में लाके खड़ा किया। बहुत लंबी हिस्ट्री है ये लंबी कहानी है उसकी तरफ मैं अभी नहीं जाना चाहता। ये जो 3 रत्न और 5 जो परहेज महामानव तथागत बुद्ध ने आज से 2500 वर्ष पूर्व मानव कल्याण के लिए दुनिया में जितने भी जीवा जंतु है वो सभी के कल्याण के लिए उन्होंने मार्ग बताया रास्ता बताया उसी का हमने पाली भाषा पाली हम लोगों का प्राचीन भाषा था उसी को प्राकृत भाषा बोला जाता है अभी उसको हम लोग खोटा भाषा बोलते हैं। ठीक है समझ गया ना। तो हम सबसे पहले बोला नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य माने मैं उन सम्यक संबुद्ध और अरहत को जो सारे चीजों को भंजन किया हो उनको मेरा नमस्कार है। हिंदी में मैं अनुवाद कर रहा हूँ हिंदी में समझा रहा हूँ कि उस सम्यक संबुद्ध को मेरा 3 बार नमस्कार है। ठीक है उसके बाद हमने बोला बुद्धं शरणं गच्छामि तथागत बुद्ध ने कहा कि मेरे शरण में आने से कुछ नहीं मिलेगा। बुद्धं शरणं गच्छामि यानी बुद्धिमान लोगों के संगत में रहोगे तो ज्ञान होगा। सही कि गलत बोलिए सही है अगर कुछ गलत होगा तो बताइएगा। बुद्ध का हम ये धर्म नहीं है धम्म है लोग बोलता है बुद्ध धर्म बुद्ध धर्म बुद्ध का धर्म बोल के कोई शब्द ही नहीं बुद्ध का धम्म है। क्या सही गलत है
भाई 10 मिनट सुनो, डिस्टर्ब मत करो। तो ये पहला हमने बोला, दूसरा हमने बोला बुद्धं शरणं गच्छामि, यानी बुद्धिमान लोगों के संगत में रहना चाहिए, सही कि गलत? उसके बाद दूसरा में हमने बोला धम्मं शरणं गच्छामि। धम्म मतलब होता है प्राकृत, जो होता है प्राकृतिक नेचर को मान करके चलिएगा तो आप कभी भी दुखी नहीं रहिएगा। प्राकृतिक नेचर है क्या? जैसे ये हाथ है, हाथ का प्राकृतिक क्या? इधर मोड़ना। अगर इधर मोड़ देंगे तो क्या होगा? टूटेगा ना। तो टूटने से तकलीफ होगा कि सुख होगा? बोलिए, दुख होगा या सुख होगा? दुख होगा ना। तो प्राकृतिक क्या कहता है? सूर्य उदय के पहले उठना चाहिए। उठते हैं क्या? हाँ उठते हैं। हाँ उठते हैं। और सोते हैं क्या? प्राकृतिक साथ में चले गए। इसलिए आज की तारीख में कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ की लोग बीमार नहीं है। प्राकृतिक को हम लोग ने एक्सेप्ट करके नहीं चला। कौन चल रहा है? आपसे बेटर अच्छा है जानवर, जो कि सुबह 4 बजे वो घोंसला को छोड़ देता है और शाम होते होते घोंसला में चला जाता है। और वो लोग आपदा में, कोई घटना दुर्घटना में मारा जाता है, बीमार से पशु पक्षी को मरते हुए नहीं देखे होंगे क्या? समझ रहे हैं? तो धम्मं शरणं गच्छामि, यानी प्राकृतिक के नेचर को मान के चलिए। जैसे कि ठंडा है, ठंडा में अगर गर्म कपड़ा नहीं पहनिएगा बचिएगा कि मरिएगा? और गर्मी में अगर गर्म कपड़ा डाल दिया जाए तो मरिएगा ना। तो यही हुआ कि प्राकृतिक सिस्टम को मान के चलिए। इसलिए बुद्धा का दूसरा जो था मार्ग वो था धम्मं शरणं गच्छामि। उसके बाद तीसरा में हमने बोला संघं शरणं गच्छामि। संघ मने होता है संगठन। ये जो जो घेरे ना, हम लोग यहाँ पर एक संघ में बैठे हुए हैं ना, एक संघ में बैठे हुए हैं ना, एक साथ बैठे हुए हैं ना, ये इसका प्रतीक हुआ। जो डिब्बा जो डाले हैं, ये एक साथ में बैठने के लिए बुद्ध ने कहा संघं शरणं गच्छामि, यानी आप जहाँ कहीं भी रह रहे हैं वहाँ के अगल बगल वाले होला मोहल्ला में सारे लोगों से आपको प्रेम दया करुणा मैत्री भाव से रहना चाहिए, सही कि गलत? सही। अगर आप झगड़ा करके रहिएगा कभी शांति से जी सकते हैं? बोलिए, नहीं जी सकते है ना। ऐसा हो रहा है क्या? ऐसा लोग कर रहा है? कहाँ कर रहा है? तो फिर झगड़ा कैसे होता है? पति पत्नी में झगड़ा दो केस होता है? सास पुतू में झगड़ा, ननद भाभी में झगड़ा, गोतरी गोतरी में झगड़ा, इसका कारण क्या है कि अगर पुतू सास को माँ समझ ले और सास भी पुतू को बेटी समझ ले, झगड़ा होगा? सास और पुतू रहता है इसलिए झगड़ा होता है। भाई भाई अगर रहे तो झगड़ा होगा? गोतिया बन जाता है तब झगड़ा होता है। गोतनी बहन बन के रहे तो झगड़ा होगा? गोतनी बन जाता है तब झगड़ा होता है। तो लास्ट में तीसरा जो बोला रत्न दिया वो संघं शरणं गच्छामि। आप जहाँ कहीं भी रहते हैं, ये मतलब नहीं है कि आप मुस्लिम समाज में हैं या सिख समाज में हैं या हिंदू समाज में हैं या बौद्ध समाज में हैं, आप जहाँ कहीं भी हैं वहाँ हो सकता है कि आप देवाचक में हैं, बनूडी में हैं, तो एक जाति के समूह में रहते होंगे। ताती है तो ताती है, चमार है तो चमार है, डोम है तो डोम है, जादव है तो जादव है। लेकिन सपोज आपका नौकरी लग गया या फिर कहीं शहर में गए तो वहाँ क्या आपका मिलेगा? ये जो जाति जो जानवरों का श्रेणी में हम लोग को खड़ा किया, मिलेगा वहाँ? वहाँ तो सभी तरह के लोग मिलेगा, वहाँ सभी तरह सभी लोगों से मिल के रहिएगा प्रेम दया करुणा से, तभी ना अच्छा से रह सकते। झगड़ा करिएगा तो रह पाइएगा? ये 3 रत्न। और 5 में जो परहेज बताए, पानाति पाता वीरमणि सिक्खा पतंग समाज, यानी मैं वो कारण हत्या नहीं करूंगा। वो कारण हत्या इसलिए लगाया गया कि बेफजूल आप किसी को सताइए नहीं, किसी के ऊपर जुर्म अत्याचार नहीं कीजिए, नहीं तो आपको सजा मिल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। ऐसा हुआ है तो आप पहला में और 3 जगह आप हथियार बेहिचक उठा सकते हैं। 3 जगह हथियार बेहिचक उठा सकते हैं। कब? जब आपको कोई जान मारने आया तब, जब आपका कोई धन संपत्ति लूटने आया तब, और जब आपका कोई इज्जत सम्मान पर आबरू पर अगर हाथ लगा रहा तो ये चक हथियार उठा के अपना सुरक्षा कर सकते। पहला परहेज में हमने यही बोला। दूसरा परहेज में अधीन दाना बेरमनी सिखा पलंग समाधान। अधीन दाना मतलब होता है
कि बिना दिए हुए चीज को अगर आप ले लेते हैं उसको चोरी बोलेगा ना, तो मैं चोरी नहीं करने की प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। चोरी करिएगा तो अच्छी बात है क्या? ये दूसरा परहेज हुआ। तीसरा परहेज दिया, कामेशु मिथ्याचारा वेरमणि शिखा पदंग समाधियां, यानी मनुष्य को काम वासना से पर स्त्री गमन पर पुरुष गमन से दूर रहना चाहिए। जैसे प्रदीप भाई शादी किया है, तो नाम क्या है, अनु, अनु का मम्मी से ठीक, और इधर अनु का मम्मी रहते हुए प्रदीप भाई वो और अनु का मम्मी को तलाश ले, और अनु का मम्मी को पता चल जाए कि प्रदीप भाई और अनु को मम्मी को तलाश के रखा, तो वो घर अच्छा रहेगा क्या होगा? आग का तरह से लिखा जाता सेम ले लीजिए कि अगर अनु का मम्मी प्रदीप रहते हुए यार दूसरा वो प्रदीप को तलाश ले तो क्या होगा? तो तीसरा चरित्र से तीसरा पर एक चरित्र पर बिहार में कामे शुरू से मिथ्याचारा बेरमणि शिखा पदंग समाधियां, काम बसना से विरत रहने की प्रतिज्ञा ग्रहण करते। चौथा में दिया मूसावादा बेरमणि शिखा पदंग समाधियां, मूसावादा होता है पाली भाषा है, हिंदी में होता है चुगली चुपकी डेरा बेला सिखा सिखा दे दूसरे का करना। तो देखिएगा ये सब बीमारी ज्यादा महिला लोग में होता है, क्यों भाग पे तो भात पचा देगा लेकिन भात को नहीं पचा पाता, सही है गलत? और वो एक दूसरे का सिखा सिखा करता, जब वो भांडाफोड़ जब हो जाता है, बेटी इधर आके बैठो, जब भांडाफोड़ हो जाता है तो वो क्या होता है, झगड़ा में बदल जाता है, केस मुकदमा में बदल जाता है, तो फिर बाबा साहब संविधान ही है कानून ही है जो कि आपको बचा सकता है, ठीक है। चौथा और पांचवा जो सबसे अहम सील है, सबसे अहम परहेज है, अगर उसको कड़ाई से पालन नहीं करते हैं तो आप कहीं भी बचने वाले नहीं। वो हमने बताया सूरा मेरे मध्य पमाद ठाना बेरमनी सिखा पदंग समाधियां, यानी मैं किसी भी तरह के कच्चा और पक्का नशा पान नहीं करूंगा। कच्चा में आ जाता है आपका बीड़ी सिगरेट खैनी तम्बाकू गुटखा तिरंगा वगैरह, और पक्का में आ जाता दारू ताड़ी गांजा भांग अफीम चरस नशा। तथागत बुद्ध ने कहा कि नशा लोगों को नाश करता है, कभी भी विकास नहीं करता। बोलिए नशा करने वाले व्यक्ति कभी उसका विकास होगा? छोटा नशा कीजिए तो छोटा नुकसान, बड़ा नशा कीजिएगा तो बड़ा नुकसान, और वो जनरेशन पर भी पड़ता है। ये अर्थ का और शरीर का ही नुकसान नहीं होता, बल्कि आपका जनरेशन भी बर्बाद होता है। जनरेशन बर्बाद कैसे होता है कि अगर नशा पान करके एक जगह पति पत्नी हो तो वो बच्चा ब्रेन वाला या ताकत वाला पहलवान पैदा होगा, वो कुपोषित पैदा होता है, बहुत सारा दुख और सुख के कारण में बताएंगे मुका निरा। ये पांच परहेज तथागत बुद्ध ने दिया, ये कोई धर्म है क्या? धर्म है बोली चर्चा होता है लोगों को जो जानकार नहीं है तो बोलता है बुद्ध हमारे तो मुसलमान बन गया, ये हो गया ये हो गया, बल्कि बुद्ध ने आज से 2500 वर्ष पूर्व जो विचारधारा लोगों को दिया वो भूतकाल में भी सार्थक था, वर्तमान में भी सार्थक है और भविष्य में भी सार्थक रहेगा, क्या सही की गलत बोलिए? जो हमने ये चीज दिया कोई धर्म की चीज है या मनुष्य को मनुष्य की तरह जीने का एक मार्ग एक रास्ता दिया गया है? आप अगर पालन करके चलते हैं तो सुखी रहिएगा। दुनिया का कोई भी बाबा मामा, बाबा मामा एक शॉर्टकट में बोल रहे हैं, यानी 33 करोड़ देवता देवी देवता और सौ क्या बोलते 56 करोड़ उसका भी संख्या बढ़ गई। किसी भी धर्म को या मान रहे धर्म वो मान रहे हैं, वो कोई भी बाबा मामा आपका कल्याण नहीं कर सकता अगर ये पांच को परहेज अगर नहीं करिएगा और तीन रत्न को पालन नहीं करिएगा। सही की गलत बोली, अगर कहीं अगर रॉन्ग हम बोलता हो तो मैंने डायरेक्ट प्रश्न उत्तर कर सकते हैं डायरेक्ट, इसमें यानी कि हम यहाँ बहुत महान आपके ही तरह हम भी हैं। इसलिए तथागत बुद्ध ने कहा कि हमारे मूर्ति लगा लेने से, बाबा साहब भी कहा कि हमको पूजने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत, मैं मूर्ति में नहीं हूँ मैं किताबों में। हम लोग अपने महापुरुष को श्रद्धा इसलिए कर रहे हैं कि इन्होंने हम लोग को कुछ किया, सही की गलत? सही। और ये तो तीर्थरण और पंचशील बोले, हमने आप लोगों से श्योर किए थे 5 मिनट में आपको भगवान दिखा। अच्छा यहाँ पर जितने बैठे हुए हैं कितना आदमी भगवान को देखे हैं, हाथ उठा के बताइए, कितना आदमी भगवान को देखे हैं हाथ उठा के बताइए, एक आपको तो बताइए कम से कम बताइए ना, फोटो में देखे कैसा होता है बताइए, उसका रूप रेखा बताइए ना, फोटो में देखे, यानी कोई भगवान को नहीं देखे, नहीं देखे ना, हम देखे
भगवान किसको कहा जाता है, भगवान कौन होता है? माता पिता प्रश्न होगा इसमें, जो खास करके पढ़ी लिखी है या पढ़ा लिखा है वो थोड़ा सा दिमाग मेमोरी को थोड़ा सा करिएगा और जवाब दीजिए। जब आप पैदा नहीं लिए थे तो कहाँ थे? मेरा प्रश्न आपका उत्तर होना चाहिए। जब आप पैदा नहीं लिए थे तो आप कहाँ थे? चलिए खेल हो जाइएगा तो भी बोलिएगा, ये नहीं बता पाए आप क्यों नहीं बताएगा तो ज्ञान। देखो बुद्ध का क्या ज्ञान है, बाबा साहब ने क्या दिया? ज्ञान दिया। वो ज्ञान को हम लोग एक दूसरे में शेयर करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि हम मैंने बहुत बड़ा विद्वान बैठे हम आपको विद्वान बनाने का बात करें, इसलिए ना प्रश्न बोलिए। अगर मैंने हम ही विद्वान अपने को समझते तो हम कोई जो आता है हम लोग के यहाँ संस्कृत पानी लेके कभी भी हम लोग को पहलवान और विद्वान और धनवान बनाने के बाद चर्चा भी नहीं करता, करता है क्या? बोलिए वो नहीं बता पा रहे ना माँ के पेट में, सही की गलत? सही, हम तो बोली मेरे पहले। सही की गलत? उसके पहले कहाँ? देखिए हाँ हम तो बताएंगे, हम तो बताने के लिए सब कुछ छोड़ के आए ना इधर। सबसे पहले हमने पूछा कि भगवान को देखा नहीं, तो नहीं बोले तो फिर भगवान यहाँ कहाँ से आए? हम तो बोले कि माँ के पेट में था, तो जब आप पैदा नहीं हुए थे तो कहाँ थे? तो माँ के पेट में, उसके पहले कहाँ थे? अब ये बताइए ना, बोलिए हाँ या ना। माँ और पिताजी के राज्य और बीच में, सही की गलत? उसके पहले कहाँ थे? बोलिए उसके बाद दादा जी, बोलिए थोड़ा सा इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा नॉलेज वाली मामला है। हाँ या ना, सब थोड़ा सा पूछ के बताना पड़ता है, नहीं जानते सही की गलत? उसके पहले कहाँ? भगवान को दिखाया, दिखा रहे बताए ना, अपने समझ रहे हैं कि भगवान क्या है, दादा जी के बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लाज कर जाते हैं अपने समझ में। पूर्वज बोलिए, बोलिए ब्लड में, ब्लड के ब्लड, ब्लड के पहले आप कहाँ थे? तो मज्जा, मज्जा बोला जाता है, मज्जा। ब्लड में एक रेशा देखा होता है व्हाइट कलर का, ब्लड में ब्लड लाल होता खाली नहीं होता, व्हाइट भी रहता है, सही की गलत जी? जो कोई अगर स्टूडेंट हो गए है ना, उसके पहले कहाँ? जानने की जरूरत है चाचा, हमारे लोग को अज्ञान बना के रखा गया, भगवान दिखा रहे ना आपको, बताइए आप पहले कहाँ बताइए? यहाँ पर नहीं पता, हाथ पता, सही की गलत? सही बात, बिल्कुल खाते हैं वो, चाहे ड्राई फ्रूट हो, चाहे फल फ्रूट हो, चाहे अनाज हो, सही की गलत? सही। उसके पहले कहाँ थे? खेत में अनाज बनता था ना, ना, पेड़ पौधा, ऑक्सीजन देता है, उसी से ना खाद आपको मिलता है, गेहूं जो आटा जरूरी है, किशमिश किशमिश छुआरा जो भी है उसी से ना आता है, उसके पहले खत्म तब आएगा जो, ठीक है समझ गए? भगवान को देखे हैं, वहीं से आपका स्टार्ट है और बूढ़ी हो जाइएगा, खत्म होने के बाद में फिर क्या होता है? जब आप मर जाइएगा तो फिर क्या होगा? अगर मुसलमान है तो गाड़ेगा तो कहाँ जाएगा? अगर मैंने हिंदू व्यवस्था के हैं तो उसको जलाया जाएगा, तो उसका अस्थि तो कहाँ खत्म होता है? पानी में, या पानी में भी दोहा दिया जाए डेड बॉडी को, या कहीं पर टांग दिया जाए, पूरे दुनिया में बहुत सारा पद्धति है, टांगा भी जाता है, गलाया भी जाता है, पानी में भी दोहा दिया जाता है, घासता भी है, जलाया जाता है, सारा अस्थि तो जमीन में खोता गिरने जाके, यही है भगवान, वहां से आपका वही जाके नष्ट है, बीच में कोई बाबा मामा नहीं है।
डीजल वाले को। और जिसको देवता कहते हैं ना, देवता देवता क्या है बता सकते हैं क्या? बताइए देवता, देवता को सब्जेक्ट को देने वाला देवता क्या है? बोलिए देने वाला, देने वाला, देने वाला। कौन नाम तो बताइए? पेरेंट्स, जिसे भी हम कोई कुछ मांगते हैं अगर वो दे दे तो हमारे लिए देवता है। अरे भाई नाम खोलिए ना। पेरेंट्स, माता पिता। हाँ, माँ बाप से बड़ा दुनिया में कोई है क्या? नहीं। बोलिए जी। हाँ की बोलिए भाई जी। माँ और पिता से बड़ा कोई देने वाला है? नहीं। अगर वो नहीं होता तो हम लोग होते क्या? नहीं। अगर वो चाह नहीं होता तो हम लोग होते क्या? नहीं। तो असली जो देवी देवता है उसको हम लोग भूल जाते हैं, नकली के फेरे में हम लोग आज तक फंसे हुए। और वो माँ या पिता, पिताजी जो है देता ही रहता है। क्या देता है? जन्म देता है एक मांस के लोथरे की तरह। जो बच्चा पैदा किया हुए माँ वो जानती है, जो अभी नहीं पैदा किया उसको पता नहीं। मांस के लोथरे की तरह पैदा होता है, जब पैदा देता है उसका हाथ पैर काम करता है क्या? नहीं करता ना। उसको किस तरह से सेवा देते हैं? मान लो अस्तर का दूध देता है, साफ सफाई देता है, तेल मसाला उसको मजबूत करता है। और पिताजी सारा चीज को मुहैया कराता है, लाला के सब देता है, दवा दारू हेन तेन सब देता है, ट्यूशन फीस कपड़ा सारा कुछ देता है। और वो असली असली जो देवी देवता है चूल्हा में चला जाता है। क्यों? डुप्लीकेट के फेरे में जाने से। तो बुद्ध के थ्योरी में तीन चीज और है, तीन चीज और है, वो क्या है? स्नान और ध्यान। दूसरा है परिवार, परिवार मैं काम नहीं छोड़ दे। माँ और पिताजी, माँ और पिताजी जो ओरिजिनल देवी और देवता है, देता ही है देता है। उसके फेरे में लोग रहता है ज्यादा, डुप्लीकेट में ज्यादा माता पिता। उसका भी दोषी हमारे माँ बाप, उसका भी दोषी जाने अनजाने में। जैसे ये बच्चा, ये बच्चा को बच्चे से ट्रेनिंग मिलता है। क्या ट्रेनिंग मिलता है? कोई भी डुप्लीकेट बाबा मामा के पास गए जो कुछ दिया नहीं, वहां जाके माथा टेकते हैं। अगर बच्चा नहीं टेक पाता हमें पाप के मैया की हो यह है धर्म। इसको थोड़ा बच्चे से ट्रेनिंग मिलता है। इसका जो पैदा ओरिजिनल इसका माँ बाप है वो डुप्लीकेट है, लोढ़ा पत्थर जो है वो ओरिजिनल है। तो ये उसी के फेरे में जब बड़ा होगा, शादी बात करेगी तो ये मियाँ बीवी मस्त है। जो माँ बाप पैदा किया वो बुढ़ा में तड़पेगा अनाज के लिए। मनुष्य का दो बार जन्म होता है, आँख खोल के बता रहे, ये कोई बताएगा नहीं, अपने महापुरुष के विचारधारा वाला लोग ही बता। अभी आप जैसे ये इतना बड़ा था कि नहीं, इनको जब पैदा माँ बाप किया होगा तो ये भी मांस के लोथरा के तरह पैदा लिया होगा, लिया होगा ना। इनको भी माँ पिताजी पूरा ये करके तैयार किया। अभी इस उम्र में ये भी प्रदीप जी को इनके मम्मी पापा किए ना। तो सपोज ये कि जब बच्चा पैदा लेता है तो उसका हाथ पर काम नहीं करता, और फिर जब हमारा दूसरा जो पड़ा होता है वो तो बुढ़ापे का होता है, उस समय जब बूढ़ा हो जाता है, बूढ़ा बूढ़ी हमारे माँ पिताजी, तो उस समय भी हाथ पैर काम नहीं करता। तो उस समय बाल बच्चे को क्या करना चाहिए? वो जब आप पैदा लिए थे तो तेल सोट सोट के आपको बड़ा किया ना, तो उस समय जब इनका हाथ पैर जाए अपने ऑटोमेटिक, कोई बाबा मामा किसी का कहीं नहीं है, प्राकृतिक नेचर के आधार पे उम्र जब होगा तो हाथ पैर काम नहीं करेगा, पैर काम नहीं करेगा, उठ बैठ नहीं पाएगा। सही की गलत बन जी? उस समय आपको ईमानदारी से सेवा देना चाहिए कि नहीं? क्योंकि आप जब पैदा लिए थे मांस के लोथरा के तरह, तो कैसे सेवा करना? अगर ये चीज को सभी के लोगों में आ जाए तो बूढ़ा बूढ़ी जो माँ बाप है हमारा कष्ट में रहेगा? कभी नहीं रहेगा। जानिएगा तब ना। तो वही चीज जो पांच को परहेज, सुनिए पांच को जो परहेज बता रहे थे ना,
चोरी हत्या नहीं करना, चोरी नहीं करना, बलात्कार नहीं करना, चुगली चुटकी नहीं करना और नशापान नहीं करना, इनका पाली भाषा में था और उसी को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो भारतीय संविधान है उसमें लिख दिया कि अगर चोरी करोगे तो बेटा जाओगे धारा लग के वहाँ पिटाई खाओगे हो सकता क्या सही की गलत। ये बोला स्वेच्छा से मान लो और ये बोला बेटा स्वेच्छा से नहीं मानोगे तो विदंता से तो मानोगे ना, समझ रहे तो जेल जाइएगा। अगर आप चोरी करते हुए पकड़ाते हैं तो समाज में जो पिटाई खाइएगा मोहल्ले में वो तो क्या बोलता है बॉक्सिस में, और बाकी धारा लग के जो जाइएगा जेल उसका तो अलग आपको मिलेगा सजा। तीसरा में जैसे किसी बहू बेटी को छेड़ते हैं या किसी कोई बहू बेटी किसी लड़का और मर्द को छेड़ता है, दोनों बात होता है, खाली लड़का ही लड़का लड़की को नहीं छेड़ता, लड़का लड़की और औरत भी मर्द को छेड़ता है बराबर। तो पकड़ाइएगा तो कहाँ जाइएगा जेल, कोई बाबा मां नहीं, यही बाबा बताने वाला यही संविधान, यही बचाएगा यही आपको सजा भी दिलाएगा। और चौथा में चुगली चुटकी 400 बेसी में पकड़ाइएगा जेल जाइएगा, नशा पान में पकड़ाइएगा जेल जाइएगा, यही बुद्ध का धर्म है। उसी धर्म को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के दीक्षा भूमि में उन्होंने यही विचारधारा को एक्सेप्ट किया और घोषणा किया था 34 में कि दुर्भाग्य से मैं हिंदू धर्म में पैदा नहीं लिया, ये मेरी बस की बात नहीं है, लेकिन मैं मरूंगा नहीं, ये मेरी बस की बात है। और उन्होंने 22 साल भारत में वर्ल्ड का जितना भी रिलीजन है जितना भी धर्म है सारे धर्मों को उन्होंने अध्ययन किया 22 साल, 22 साल अध्ययन करने के बाद में बुद्ध का जो मार्ग था वो एक्सेप्ट किया। बुद्ध का मार्ग इसलिए किया कि बुद्ध का जो विचारधारा है वो समता स्वतंत्रता बंधुत्व और न्याय पर आधारित है, और जिस सिस्टम को हमारे लोग मान रहा है आज के तारीख में वो विषमता पर आधारित है, वर्ण जाति ऊंच नीच छुआछूत पर आधारित है, सही की गलत। दादा दादी को पूछिएगा, आप अपने दादा दादी को पूछिएगा और देखे भी होंगे पुतली पुतली पहनती थी जमुना से ऊपर और ये भी ढंग नहीं सकता ढकवा के, तो हमारे लिए भगवान हुआ ना, जीने का मार्ग बताया तो भगवान हुआ, ये महापुरुष के रूप में हुआ। भगवान का मतलब होता भाग जोरवान, यानी बिना बिना पुरुष और औरत एक जगह नहीं होगा बच्चा पैदा हो सकता है। अभी नया जो टेक्नोलॉजी हुआ है उसमें भी मर्द का लेता है और डालता है तब होता है बच्चा, यानी बिना अति का नहीं हो सकता, समझ रहे ये मामला, ये मामला तो कोई बताएगा नहीं, ये अपने महापुरुषों के जो विचारधारा के लोग है वही बताएंगे। हम लोग का काम ही है लोगों को जागरूक करना, किसी को चेला बनाना नहीं, डायरेक्ट गुरु हम क्या बोल रहे हैं, तो हम क्या बोले वो विज्ञान डेवलप कराना, कोई बाबा मामा तो दूध का जो विचारधारा है वो क्या है विज्ञान है, बाबा साहब का जो विचारधारा क्या है विज्ञान है, अंधमर और अंधविश्वास पर ना ना कभी नहीं। अभी हम लोग जब धीरू भाई अंबानी छोटा मोबाइल जब लॉन्च किया था तो उस समय पूरा प्रचार होता था कि बात करिएगा तो मैंने पत्नी से बेटा बेटी उन्हें कहीं भी है तो एकदम उसका चेहरा आप देखिए और आपका चेहरा वो देखेगा, हो रहा है ना, कोई बाबा मां का देना है कि विज्ञान का देना, विज्ञान का ये विज्ञान मैंने क्या होता है बुद्धि विवेक से चलने का जरूरत है, वही चीज तो होता है बुद्ध के बातों को सुनिए, बुद्ध के बातों को बुद्ध के बातों को बुद्ध मैंने इसका नाम सिद्धार्थ है बचपन का नाम, डिग्री डिग्री का नाम है बुद्ध, जान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं एक साधारण व्यक्ति हैं साधारण नाम से जाने जा रहे हैं, जैसे आप डॉक्टर का डिग्री या पीएचडी कर लेते तो डॉक्टर का अपने जुड़ जाता है कि डॉक्टर साहब बोलना चालू हो जाता है, वो आपका डिग्री है। इनका बुद्ध का डिग्री कब हुआ और बुद्ध जो ज्ञान बुद्ध ज्ञान में प्राप्त किया ये कौन सा ज्ञान प्राप्त किया था मालूम है, इनको मालूम है बताइए, बुद्ध का जो ज्ञान हुआ था कि बुद्ध ज्ञान में क्या हुआ था कौन सा ज्ञान हुआ था, बुद्ध बुद्ध का जो ज्ञान हुआ था जो खोज किया था उन्होंने ये खोज किया था कि दुनिया में ईश्वर नाम बोलकर के कोई चीज ही नहीं, बैठो ना, काल्पनिक चीज ही नहीं, समझे, यानी दुनिया में ईश्वर नाम बोल के चीज नहीं है। और उसके बाद उन्होंने एक
बात को बोला, अतः दीपो भवा, यानी मनुष्य अपना मालिक स्वयं है। सही की गलत? जैसे कि आप किसी का पत्नी है, किसी का बेटी है, किसी का माँ है, तो अगर आपको समझ लिया एक थप्पड़ मार दिया, ठीक है, तो चोट किसको लगे, आपको या कि आपके पति को या आपका बेटे को? आपको लगेगा ना, उनको ये एहसास होगा कि मेरा माँ को काहे मार दिया, मेरा पत्नी को काहे मार दिया, एहसास होगा। इसलिए अतः दीपो बाबा, मनुष्य जन्म लेता है वो सत्य है और मरता है वो सत्य है, बाकी बीच में कुछ नहीं। इसलिए तथागत बुद्ध ने बोला अतः दीपो भवा, प्रत्येक मनुष्य अपना मालिक स्वयं है, आपका कोई दूसरा मालिक नहीं है। समझे? यही जो है आपका पूजा के रूप में, इसको पूजा के रूप में स्टार्ट होता है। किसी के घर में शादी विवाह होता है वो प्रथम एक घंटे रोक कराने का काम जो बहुत भिक्खु होता है, लेकिन हम लोग बहुत उपासक होने के नाते जहाँ बहुत भिक्खु नहीं पहुँच पाते समय पे, कल आएंगे उनका यह, तो ये मेरा दायित्व बनता था कि हमने जो ज्ञान अर्जन किए विद्वान लोगों के साथ बैठ के वही आप लोगों के साथ भी शेयर किया। साधु साधु। और हम चाहेंगे कि दुख और सुख का कारण ये बता दें, क्योंकि बहुत सारे महिला लोग हैं, दुख का कारण और सुख का कारण, बुद्ध का जो वहाँ ज्ञान हुआ था पहला तो आता दुख हुआ अपने और दुख का कारण चार और सुख का कारण चार हो जाता है। पहला अपने समय दुख का कारण शेयर करें, पहला दुख का कारण तथागत बुद्ध ने बताया कि जिस घर का मालिक और मलकान, मालिक और मलकान, जैसे आप मुसलमान धर्म को मान रहे हैं, धर्म को बुद्ध का धर्म है, धर्म नहीं, धर्म और धर्म में क्या होता है अंतर वो बता दे। धर्म का मतलब होता है कि कोई चीज को पहले जानो छानो तब मानो, और धर्म का मतलब होता है कि जो सिस्टम है उसको यहाँ घूम करके मानो, घोड़ा गधा कुछ भी है, नहीं तो पाप लग जाएगा, कोई कुष्ट हो जाइएगा, बेटा मर जाएगा, धन दौलत खत्म हो जाएगा, ऐसा डर पैदा किया। बुद्ध का धर्म में ऐसा कुछ नहीं, डर डर नाम बोलकर कुछ ही नहीं, और पुनर्जन्म भी नहीं है मनुष्य का। एक बार आपका जन्म हुआ माँ बाप की कृपा से, और जब मरिएगा तो फिर दोबारा जन्म होने वाला, अगर है तो दादा दादी मरा हो रहा होगा, अभी तो मोबाइल का जमाना है, कॉन्टेक्ट अगर होता होगा तो हमको भी थोड़ा करा दीजिएगा बात। सही की गलत? समझ रहे बात? तो मनुष्य को एक बार जन्म मिला है आपको, उसमें आपको तय करना है कि आप घर में मरिएगा कि टोला में मरिएगा कि पंचायत में मरिएगा कि जिला में मरिएगा कि राज्य में मरिएगा या कि देश में, ये आपको तय करना है। अब उस पोजीशन में मरने के लिए तो आपको उस तरह का काम करना होगा ना, मानव कल्याण के लिए। तो दुख का कारण कि कोई भी जाति धर्म के लोग हो, जाति तो होता नहीं, जाति जानवरों में होता, इंसान में होता ही नहीं, अगर कोई क्रूर कर दे तो मैं उसका गुलामी स्वीकार कर लूंगा। जैसे एक चंडाल का लड़का, चंडाल में समझ रहे, जो व्यवस्था में सबसे नीचे पदान पर रखा गया, और एक हाई लेवल वाला, सपोज एक ब्राह्मण की बेटी चंडाल का बेटा, तो एक जगह कर दिया जाए, वो बच्चा पैदा करेगा कि जानवर पैदा करेगा? बच्चा, इंसान हम लोग के तरह ही पैदा होगा ना, हा? और जानवर को अगर एक जगह कर दिया जाए तो होगा क्या? एक तरह होगा, दो जानवर को अगर एक जगह कर देंगे तो दूसरा ले लीजिए कि पांच जो वर्ण व्यवस्था के आधार पर शूद्र अति शूद्र क्या होता है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये सारे जो कैटेगरी है, कैटेगरी को एकता करने को लाए और इधर में छोड़ दिए उसको, पांचों को जाओ या बाथरूम करके आओ, और इधर पांच जानवर को लाइए, पांच जानवर, बकरी हो गया, घोड़ा हो गया, गधा हो गया या हाथी हो गया, और उसको इस साइड में भेजा, चल भाई तू भी बाथरूम करके आ जाता है, और करके आ जाता है। उसके बाद बहुत बड़ा इंजीनियर साइंटिस्ट को बुला लीजिए और इस दिशा में पहले उसको भेजिए, और जो उधर पांच जाति वर्ण व्यवस्था के लोग जो उधर पैखाना करके आया है वो उसको जांच करके बेटा बता दे हमको कौन कास्ट का कौन जाति का कौन पैखाना है, और इधर में एक बुढ़वक आदमी को भी भेजा दिया जाएगा और उसको जांच पड़ताल करके वो चलाएगा, लेकिन वो उसका पावर नहीं है कि वो जांच करके चलाएगा कौन जाति का कौन पैखाना। सही की गलत? तो इसलिए मनुष्य में परिवार चलाने के लिए एक मुखिया और एक मुखिया नहीं होता, जिसको हम लोग कहते हैं मालिक और मलकान, ग्रामीण कहते हैं ना, गार्जियन भी बोलते हैं, मालिक भी बोलते हैं,
दो दुख का कारण मैंने बता रहे हैं। जिस घर का मालिक और लड़का है चरित्रहीन रहेगा, वो घर का कभी भी तरक्की नहीं होगा, चाहे वो जितना पूजा पद्धति कुछ भी कर ले, कतनों बाबा ब्रह्मा को मान ले, उसका कभी भी कल्याण नहीं हुआ। जिस घर का मालिक और मरकाएं चरित्रहीन है। दूसरा दुख का कारण तथागत बुद्ध ने बताया कि जिस घर में आय और व्यय का हिसाब किताब सही नहीं है, यानी आप कमाते कितना है और खर्चा कितना करते हैं, इसका हिसाब किताब अगर सही नहीं है तो वो घर भी तरक्की नहीं करेगा। दूसरा दुख का कारण। तीसरा दुख का कारण तथागत बुद्ध ने बताया, जिस घर में टूटे फूटे मरम्मत करके चलाने की आदत नहीं है, वो घर भी सुखी नहीं रहेगा। और चौथा में, जिस घर में खान पान की व्यवस्था सही नहीं है, दूध फूस के खाते हैं, मसाला दर खाते हैं, बिगाड़ भोजन करते हैं, वो घर कभी भी सुखी नहीं रहेगा। और वही चार जो है सुख का कारण बताया, जिस घर का मालिक और मलकान चरित्रवान सिलवान विद्वान पढ़ी लिखी गुणवान रहेगी रहेगा, वो घर प्रतिदिन दुगुना चार चौगुना करेगा। दुनिया का कोई भी बाबा मामा कोई भी उसका उसको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। दूसरा सुख का कारण कि जिस घर में आय और व्यय का हिसाब किताब सही है, यानी कमाते कितना है और खर्चा हमको कितना करना चाहिए। जैसे इसमें थोड़ा लंबा है कि आप 100 रुपया कमाते हैं, तो 100 रुपया कमाते हैं उसी में आपको खाना भी है, उसमें रोटी कपड़ा है, तो एकदम कंपलसरी जरूरी है। उसके बाद पढ़ाई लिखाई और भविष्य के लिए भी रखना है, कर्जा लगाना भी है, कर्जा तोड़ना भी है, कर्जा लगाना भी है और कर्जा तोड़ना भी है। तो ये क्या होता है कि जैसे ये रोटी कपड़ा मकान तो है, और उसके साथ में जैसे कर्जा लगाना मतलब आप बच्चे को जो पैदा किए तो उसके पीछे खर्चा कर रहे हैं, तो कर्जा लगाएंगे ना, ये जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो बेटा बेटी देखेगा। और कर्जा तोड़ने का मतलब है जो मांस के व्यापार के तरह जो मतलब पैदा किया, अब ससुराल आ गए तो जो आपके पति का जो माँ बाप हुआ वो आपके माँ बाप हो गया, उनका जो सास ससुर वो भी माँ बाप हो गया, ऐसा भावना अगर हो तो कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होगा क्या? तो वो आपका मैंने जब बुढ़ापे में माँ बाप है तो वो आप कर्जा उतारे, उनका अगर सही देखभाल किए तो कर्जा उतारे, तो वो चीज आपका बच्चा भी तो देखेगा। तो जब बच्चा देखेगा तो जब देखा कि दादा दादी को ये मेरा पिताजी और मम्मी जो है अच्छा से मान सम्मान दे रहा सेवा दे रहा, तो आप जब बुढ़ा बूढ़े होगा तो बेटा आपको सम्मान और सेवा देगा कि वो चला जाएगा इधर, समझ रहे? तो वह कर्जा लगाना कर्जा तो, और भविष्य के लिए इसलिए रखना कि आप नौकरी करते हो या किसान हैं तो खेती बाड़ी में खाते हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो प्रत्येक दिन आप कमाइएगा, ये गारंटी है क्या? लेकिन 50 रुपया आपका रोज खर्चा करने ये गारंटी है। तो आप जो कमाए हैं 100 रुपया उससे आप हटा के भविष्य के लिए रखिए, ताकि कभी भी दुख मुसीबत हो जिस दिन आप नहीं कमाइएगा उस दिन आप वो जो बचा के रखें उस। तो तथागत बुद्ध ने कहा कर्जा लेना दुख है और कर्जा नहीं लेना सही गलत। सुख का कारण दूसरा। तीसरा सुख का कारण कि टूटे फूटे मरम्मत करके चलाने की आदत जिस घर में है, यानी कोई कपड़ा फट गया या कोई बर्तन जो चलाने लायक है। तथागत बुद्ध ने कहा दुनिया परिवर्तनशील है, ये पत्थर का भी है ना या लोहा का भी सामान है, वो भी उम्र पर वो नष्ट होगा, दुनिया का कोई बाबा मामा उसको रोक नहीं, तो नष्ट होने का समय जोड़िएगा भी तो नहीं जुटेगा, लेकिन जोड़ के जब तक चलाने लायक जो सामान है उसको चलाना चाहिए, यानी टूटे फूटे मरम्मत करके चलाने की आदत जिस घर में है वो घर भी सुखी रहेगा। चौथा बताया कि जिस घर में अल्प भोजन, साफ सुथरा भोजन, समय पर भोजन और तेल मसाला रहित भोजन करने की आदत है वो घर भी सुखी नहीं रहेगा, यानी पेट ठीक तो सारा डिपार्टमेंट आपका सही गलत। चलिए, महामानव तथागत बुद्ध की बोलिएगा करुणा हो करुणा, महामानव तथागत बुद्ध की करुणा हो करुणा, महामानव तथागत बुद्ध की करुणा हो करुणा। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे। नारी को सम्मान दिलाने वाले परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे। ठीक है, इतना ही आज ये हुआ, कल फिर घंटे लगाएंगे तो मौका मिला तो बताएंगे। और कुछ अगर आप लोग का पीछे प्रश्न है तो कर सकते हैं, कोई प्रश्न अगर आपका है तो कोशिश करेंगे हम समाधान करने का, कोई प्रश्न है तो पूछिए। इतना ही बहुत, धम है धर्म और धम में अंतर क्या होता है बताएं। सांप क्या है? धम है। और उसको दंसना क्या है? धर्म। धर्म मिर्ची, मिर्ची धम है, तीखा लगना धर्म। तो उसी तरह से जो ये ज्ञान के जो बात को शेयर किया, आज जापान थाईलैंड कोरिया तिब्बत भूटान चाइना श्रीलंका जापान ये सारा आज बुद्ध को बातों को जो जो देश माना आज वो विकसित देशों में गिना जाता है, उन्नत देशों में गिना जाता है,
डेवलप कंट्री में गिना जाता है। और भारत में तथागत बुद्ध का जन्म हुआ, बाबा साहब इनके विचार को एक्सेप्ट करने के पीछे यही राज था। 22 साल जो उन्होंने अध्ययन किया था सारे रिलीजन को, कि बुद्ध का जन्म भी यही हुआ, ज्ञान भी यही प्राप्त किया और मरा भी यही। तो वो ऐसे धर्म को हमारे लोगों को देना चाहता था बाबा साहब, कि वो सारा जिंदगी जिंदगी जब तक वो जीवित रहे तब तक वो सुखी रहे, सुखी होकर के वो जिए। यानी अगर बदला लेना होता, जितने इसके साथ अपमान किया गया वो अपमान का अगर बदला लेने का अगर इनके पास मंसूबा होता तो इस्लाम धर्म या चाहे क्रिश्चियन धर्म को कबूल करता करेगा। लेकिन ऐसा सोच का बाबा साहब था ही नहीं। बाबा साहब सारे लोगों को, वो चाहे टिक्की वाला हो या तराजू वाला हो या तलवार वाला हो या फिर हम लोग, सारे लोगों के लिए एक ही विचार था कि मनुष्य को मनुष्य के तरह जीने का सबका अधिकार। कहीं भी सोतेला व्यवहार बाबा साहब ने नहीं किया। यहाँ तक कि महिला का खास करके यहाँ जो 50% आरक्षण सुख सुविधा, गर्भवती रहते हैं तो अब नौकरी भी कर रहे हैं तो छुट्टी देता है कि नहीं देता है? ये किसका देना, कौन बाबा का देना है? ये बाबा का देना है। घर वाले का फोटो भी रखे होंगे क्या? ईमानदारी से बोलिए, रखे होंगे क्या? अगर आप धोबी से हैं तो आपको बाबा गाड़ियर का दूंगा, कभी चुका मेरा तुकाराम नारायण गुरु सारे हिंदू निवासी महापुरुषों को आज के तारीख में सारा अवेलेबल है, किताब भी अवेलेबल है। और सबसे बड़ा किताब का है अपना भारतीय संविधान, ये आदमी का घर में भारतीय संविधान बोले तो पढ़ना चाहिए कि नहीं संविधान, जिसमें आपको सारा हक और अधिकार मिला है। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, झूठ चर्चा में ज्यादा रहते हैं, झूठ चर्चा में, नाम खोल के नहीं बोलना चाहता हूँ, झूठ चर्चा में हम लोग ज्यादा रहते हैं, बुद्धि वाला चर्चा में हम लोग बैठते नहीं जाते नहीं। अगर आप लोग वास्तविक में अगर ज्ञान के चीज को देखना चाहते हैं तो बगल में है बुद्ध गया। आप लोग प्लान बनाइए, सब परिवार एक बार प्लान बनाइएगा बुद्ध गया घूमता है और वहां जाके देख के आइए कि दुनिया के लोग क्या क्या विचारधारा है। वहां आपको कोई जाति दिखेगा नहीं, वहां सारा मनुष्य दिखेगा साफ सुथरा। वहां पर आप लोग जाइएगा तो बिल्कुल फेर दिखेगा। वहां का वो लोग का जो बाहर से जो आता है, बाहर देश से, उसका जो साफ सफाई है, उसका जो रहन सहन देखिए, उसके सामने आप लोग जीरो दिखिए। और हम लोग का लिबास साफ सफाई का जो है ना, ये श्वेत वस्त्र जो है, श्वेत वस्त्र ये परिधान है बुद्धिज्म का। लेकिन उसको ब्रह्मी व्यवस्था क्या किया, बोला ये क्या होता है उसको, मर जाता है लोग, यानी विधवा या विधुर लोगों का परिधान है ऐसा बोलता है ना, जबकि ये गलत है। मुस्लिम लोगों में देखिएगा तो श्वेत वस्त्र पहनता है ना, क्रिश्चियन में देखिएगा, बुद्धिज्म में देखिएगा श्वेत वस्त्र को धारण करता है। इधर में हम लोग को हमारे चीजों को हम लोगों से बेमुख करवा दिया, मैंने हटवा दिया और डुप्लीकेट को परोस दिया, और जो डुप्लीकेट को परोसा गया वही चीज हम लोग जान रहे मान रहे हैं। खाली हमारे लोगों में मूल निवासी में अगर एक चीज छोड़ दे, बुद्ध का जो पांचवा परहेज है, सूरा मेरे मध्य प्रमाद ठाना बेरमनी सिखा पद समाधि को, यानी नशा पर को, तो 75% उसका घर का स्थिति सुधर जाए, सही कि गलत। और नशापान का जो शिकार क्या होता है ना, हमारी माँ बहन सबसे ज्यादा है, क्योंकि नशापान करके आता है, गाली भी आप ही को सुनना पड़ता है, पिटाई भी आप ही खाते हैं और कष्ट भी। वो क्या होता है, वो खुल के बोलने की जरूरत ही नहीं, तो जो जिसके साथ होता है वो उसको अनुभव है अच्छा से। हम तो खुल के शेयर करते हैं, अपने बाल बच्चे को बिठा के शेयर करते हैं, क्योंकि जब तक आप अपने बाल बच्चे को बच्ची को अगर खुल करके शेयर नहीं कीजिएगा तो जागरूक कैसे होगा। तो हम लोग खुल के बात करते हैं, क्योंकि कहीं भी मन में खोट नहीं है, हम समाज को जगाने निकले हैं, तो जगाना मेरा काम है। उसमें बहुत सारा जगह बाधा भी आएगा,
वो सारा प्रॉब्लम होगा, तो सारा प्रॉब्लम को झेलना पड़ता है। तो मनुष्य में आप जन्म लिए हैं तो मनुष्य के लिए कल्याण का मार्ग पे चलना चाहिए भी, और लोगों को चलने के लिए प्रेरित भी करना चाहिए। आप लोग कम से कम अगर वास्तविक ईमानदार हैं तो कम से कम ये बाबा साहब पुजारी मैंने ठंडा वालों को बताया, खतरनाक ठंडा बताया, पूजा वाला काम खत्म हो गया। जैसे आप जब वाहन थे, वाहन तो कभी है आदमी है, लेकिन जब आप वाहन थे मेरा इशारा को समझ बाबू, ऐसे ऐसे तो घूर करके जाओ समेट उसको समेटते समझे। जैसे आप जब वाहन थे तो किसी के लिए काम नहीं किया, जब आप वाहन थे किसी के लिए, जब आप शादी कर रहे हैं तो किसी के लिए भूखा नहीं है, तुम्हारा शादी हो गया ना, किस कि, मैंने शादी होने के बाद भूखा रह रही है किसी के लिए नहीं, अभी रही है पति के लिए। जब तुम बहन थी तो भाई के लिए उपवास, जब शादी कर ली तो पति के लिए उपवास, और जब बच्चा हो जाएगा तो बेटा बेटी के लिए उपवास। क्या बाबू जी लेकिन कोई देखो हमारा थोड़ा करू शब्द होता है, कोई भाई हरामी हरामी, इसलिए मैं शब्द को इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आपने भाई के दीर्घायु के लिए उपवास रहे, पति के दीर्घायु के लिए उपवास रहे, चलनी में देखे भूखा राजा के बर गाजतर जा जाके बियन डोलाए पति घर में और वहाँ पूजा बाहर, समझने के लिए बोल रहा हूँ, पति घर में और पूजा बाहर, भूखा रह रहे हैं, पति भूखा रहता क्या, चलनी में देखते हैं जब तक वो थतुनिया के देखेंगे नहीं तब तक अपना उपवास को तोड़ेंगे नहीं। वो पति आपके लिए एक दिन भी उपवास रहा क्या बेटी, जब बच्चा बेटा बेटी हो जाता है तो बेटा बेटी के लिए उपवास रहते हैं, वो बेटा बेटी माँ बाप के लिए उपवास रहता है क्या, तो फिर आखिर मामला क्या है, आखिर ये मामला क्या, ये मामला ये है, सुनो दिमाग इधर क्या कुमारी, ये मामला ये है कि बच्चे से यानी बच्चा से आपको कमजोर करने का प्लान है, जब बच्चा से आप कमजोर रहिएगा तो आप कोई भी उन्नति का काम नहीं कर पाइएगा, इसलिए बच्चा से ही वो ट्रेनिंग ब्राह्मणी व्यवस्था के आधार पर दिला दिया जाता है कि जब जन्मा तो भाई के लिए सा, शादी वालों तो पति के लिए सा, अगर आप बाल बच्चा वालों तो यही तीनों हालांकि कभी भी आपके लिए नहीं एक दिन भी भूखा रहने वाला है, तो आप क्यों भूखा रह रहे हैं, दोनों होना चाहिए ना, जब आप भाई के लिए प्यार है तो भाई को तो बहन के लिए प्यार होना चाहिए, जब आप पति के लिए प्यार है तो पति को तो पत्नी के लिए प्यार होना चाहिए उतना ही, सही ना, जीवन साथी बोलता है ना कि जीवन पीछे, जीवन साथी बोल रहे हैं और साथ फेरा लेता है, वो साथ फेरा है क्या कभी समझी हो, चौथा चौथा ही होता है, इसको कभी समझी हो बता दो तो चलो गुलाम मान लेंगे, चलो तुम लोग गुलाम चौथा चौधारी क्या होता है, चौथा चौधारी क्या होता है बेटी जानते हो नहीं जानते हो ना, जब हमारे मूल निवासियों में ब्राह्मण छोड़ के और राजपूत छोड़ कर बाकी और मरवाड़ी वो तीन विभाग गोर वर्णीय है और वो भारत का नहीं है, जिसको विदेशी में आज लोग कहते हैं ना वो है, बाकी अगर हम लोग सारे एक ही माँ बाप से तो ये क्या होता है बता रहे तुमको कि ये जो चौथा चौधारी है वो जब शादी तुम कर सकती हो, जैसे अभी मेरा बेटी शादी कर रही है ना, शादी भले कर लेगा लेकिन तीन दिन बाबू साहब के यहाँ बिताएगा शादी करने के बाद, और तीन दिन के बाद चौथा दिन वो आएगा ससुराल नहा उहा करके इसको पाक साख करके फिर वही अपना जिससे शादी हुआ उसके साथ ही सो, ये प्रथा थी भारत में बाबा साहब ने खत्म किया,
और भी वो सारा हिस्ट्री भी पढ़ोगे पता चलेगा। तीन दिन दूसरे के साथ बिताना होता था, चौथा चौधरी यानी नहा कोई, वो चीज अभी नहीं है क्योंकि बाबा साहब का संविधान चल रहा है। अभी क्या वो सिस्टम है, अभी क्या सिस्टम है कि तीन दिन भैया इन्हें होने फिर चौथा दिन नहा हुआ क्या करवा घर में घुसता, तो सिस्टम को रहना चाहिए क्या, तोड़ना चाहिए ना, क्या तोड़ेगा ये आप लोग जो पढ़ी लिखी है उसको तोड़ना होगा हर हाल में। अभी तोड़िएगा तो जो बूढ़ी बुजुर्ग लोग है वो देखते आया है गुलामी वाला चीज को, लगा आज के नया नया पढ़ा लिखा लड़की देखिए बहुत तरह का टोन बहुत तरह का आपको ही करेगा, लेकिन ये सारा चीज को यही चीज को तो खत्म करना है, जो समाज में बुराई है उसको खत्म करना है। अब क्या किया है जाति व्यवस्था बना करके, सारा गोबार गोबार में मर रहा है, चमार चमार में मर रहा है, मुसार मुसार में मर रहा है, डोंग डोंग में मर रहा है, पासी पासी मर रहा, धोबी धोबी मर रहा, एक दूसरे को कुछ लगा ही नहीं रहा, और वो क्या कर दिया एक दूसरे को बर बना दिया, चमार से तो बर, तोरा से वो बर, उड़ा से वो बर, से वो बर, और अपने में सभी बड़े बनने में जाए सभी। तो इसलिए ये अपने महापुरुष जितना नाम बताए ना सारे महापुरुष वो संता स्वतंत्रता बंधुत्व और न्याय का आपको बताए लोग, ताकि हमारे लोग सुखी रहे, ठीक है। आइए आप लोग अब खाना।